देखिए इंस्पेक्टर, ये वैसे भी एक मुजरिम है और ये जुर्म करके अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। ये तो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। अगर कर लेता है तो इसे उम्र कैद की सजा होगी, मगर ये जुर्म कबूल करेगा नहीं। पर एक रास्ता है जिससे इसे सजा भी मिल जाएगी और इस शहर से एक गुंडा भी कम हो जाएगा। रॉबर्ट एक जाना माना रियल एस्टेट व्यापारी था। वो लोगों के लिए बड़े ही खूबसूरत घर बनाया करता था और कभी कभी तो उसे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का भी काम मिलता था। वो इस इलाके में बड़ा ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसके बनाए हुए मकान और इमारतें बड़े ही खूबसूरत हुआ करते थे। उसके पास काफी पैसा था। रॉबर्ट का एक दोस्त था जिसका नाम था जॉन। वो दोनों साथ में काम किया करते थे। वो दोनों पार्टनर्स थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग उनकी दोस्ती और काम की मिसाल दिया करते थे। उन दोनों ने उस बिजनेस को साथ में शुरू किया था और दोनों ही बराबर मेहनत करते थे। एक दिन रॉबर्ट को एक टेलीफोन कॉल आता है जिसमें उसे जान से मार डालने की धमकी मिलती है, मगर रॉबर्ट ने उस कॉल को मजाक समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर उसने उस कॉल के बारे में सिर्फ अपने बेटे विलियम को जरूर बताया। मगर उस कॉल के 3 दिन बाद रॉबर्ट की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि रॉबर्ट की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मगर रॉबर्ट का बेटा विलियम मानने को जरा भी तैयार नहीं था कि उसके पिता की मौत महज एक हार्ट अटैक थी, क्योंकि 3 दिन पहले रॉबर्ट को एक टेलीफोन कॉल में जान से मार डालने की धमकी मिली थी। तो उसका मानना था कि कहीं ना कहीं उसके पिता की मौत का कनेक्शन उस टेलीफोन कॉल से जरूर है और इसी वजह से वो मामले की तह तक जाकर अपने पिता की मौत की सच्चाई जानना चाहता था। इसलिए उसने एक जासूस को हायर किया और उस जासूस का नाम था जासूस रमन। वही जासूस रमन जिसके कई किस्से आप पहले भी सुन चुके हैं। विलियम ने जासूस रमन को सारी घटना का ब्यौरा दिया तो जासूस रमन अपने असिस्टेंट सुजॉय के साथ सीधा रॉबर्ट के घर पहुंचा और उसके घर में उसने बड़ी ही बारीकी से तहकीकात की। रमन के पास हाल ही में एक नया लड़का काम सीखने आया था। रमन ने उसे अपना असिस्टेंट रख लिया। जासूस रमन का असिस्टेंट सुजॉय बोला, सर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कमरा 3rd माले पर था, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? सर मुझे लगता है कि रॉबर्ट की मौत एक नेचुरल डेथ है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर जासूस रमन बोला, देखो सुजॉय, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हमें इस कमरे की और बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। सबूत हमारे आसपास ही है। जासूस रमन ने फिर से अपनी तहकीकात शुरू कर दी। वो बड़ी ही बारीकी से छोटी चीजों को भी परख रहा था। तभी कमरे में रखी एक मेज की दराज में रखे कागजातों में रमन को एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसके अनुसार रॉबर्ट दिल का मरीज था। तो जासूस रमन ने अब रॉबर्ट की दवाइयां तलाशी। उसे उसके कबर्ड में एक दवाइयों वाली शीशी मिली। उसने शीशी को हाथ में लेकर अपनी आंखों के सामने लाया और उसे बड़े ही गौर से देखा। फिर उसे उस शीशी में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने शीशी को अपनी नाक के करीब लाकर उसे सूंघा और फिर उसने वो शीशी वापस कबर्ड में रख दी। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। वो उस खिड़की के पास गया तो उसे फिर से वही अजीब सी गंध महसूस हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दवाइयों वाली शीशी में से आ रही थी। जासूस रमन ने विलियम से पूछा, ये गंध किस चीज की है? विलियम बोला, कुछ दिन पहले हमारे घर पर बाहर से पेंटिंग का काम हुआ था, ये गंध उसी पेंट से आ रही है। जासूस रमन ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा वहां एक रस्सियों की बनी हुई सीढ़ी टंगी हुई थी जो ऊंची इमारतों में पेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जासूस रमन ने विलियम से पूछा, ये पेंटिंग करने के लिए कितने आदमी लगे हुए थे? विलियम ने बताया, 3 पेंटर्स थे जो पिछले 4 दिनों से काम कर रहे थे। अब जासूस रमन को इस केस में एक नई दिशा मिल गई थी। वो अब अच्छे से समझ गया था कि उसको करना क्या है। जासूस रमन ने अपने असिस्टेंट सुजॉय से कहा, सुजॉय
जाओ और उन तीनों पेंटर्स की पूरी जानकारी लेकर आओ। असिस्टेंट गया और उसने शाम तक उन तीनों पेंटर्स की पूरी जन्म कुंडली निकालकर जासूस रमन को दे दी। अब रमन उन तीनों पेंटर्स के बारे में सब जानता था। उनका नाम, उनके घर का पता, वो कितने सालों से उस काम में है वगैरह सब कुछ। उन तीनों पेंटर्स में से एक पेंटर था जिसका नाम था बबलू। जासूस रमन को बबलू पर शक हुआ। रमन और उसका असिस्टेंट बबलू के घर पहुंचे, मगर बबलू घर पर नहीं था, वो वहां से जा चुका था। रमन के असिस्टेंट सुजॉय ने रमन से पूछा, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर बबलू ने किया है? रमन बोला, सुजॉय अगर तुमने उन तीनों पेंटर्स की जानकारी को अच्छे से स्टडी किया तो तुमने गौर किया होगा कि बाकी के दोनों पेंटर्स पिछले 10 सालों से इस पेंटिंग के काम में हैं, मगर बबलू है जिसने इस काम को 2 महीने पहले शुरू किया है। और जब मैंने बबलू के बारे में पता किया तो पता चला कि बबलू पहले भी कई बार छोटे मोटे जुर्म के लिए जेल जा चुका है, तो मुझे पूरा यकीन है कि रॉबर्ट के कत्ल में उसका हाथ है। ये एक सोच समझ कर किया गया कत्ल है सुजॉय, क्योंकि कमरे की तलाशी लेते वक्त मैंने दवाइयों वाली शीशी को अच्छे से देखा था, उसमें एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था, जबकि उसमें रॉबर्ट के फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे। किसी ने दवाइयों वाली शीशी के साथ छेड़छाड़ की थी और अपने फिंगरप्रिंट्स पोछने के चक्कर में उसने रॉबर्ट के फिंगरप्रिंट्स भी पोछ डाले थे। और एक और बात, उस शीशी में से पेंट की गंध भी आ रही थी। ये बबलू का ही काम है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, तो अब हमें उससे ही कबूल करवाना होगा कि उसी ने पैसे लेकर रॉबर्ट का कत्ल किया है। असिस्टेंट सुजॉय बोला, सर मगर उसे रॉबर्ट को मारने के लिए पैसे किसने दिए होंगे? बस जैसे हमने बबलू का पता लगाया है वैसे ही हम उस आदमी का भी पता लगा लेंगे जिसने रॉबर्ट की सुपारी दी, रमन आगे बोला। अब हमें सबसे पहले बबलू को गिरफ्तार करना होगा और उससे सच्चाई उगलवानी होगी। इसके बाद जासूस रमन और उसका असिस्टेंट बबलू को ढूंढने में जुट गए। जासूस रमन के नेटवर्क में कई लोग थे जो उसको जरूरी खबरें दिया करते थे। रमन अपने नेटवर्क के एक आदमी से मिलने गया और उसे बबलू के बारे में बताया, और उस आदमी ने कुछ ही घंटों के अंदर रमन को बबलू का पता निकाल के दे दिया। बबलू होटल ओलिविया के रूम नंबर 203 में छुपा बैठा था। रमन और उसका असिस्टेंट सुजॉय ओलिविया होटल के रूम नंबर 203 के दरवाजे पर खड़े थे। सुजॉय ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद बबलू ने दरवाजा खोला। जैसे ही बबलू ने दरवाजा खोला, रमन ने बबलू की नाक में एक जोरदार घूंसा मारा और बबलू नाक पकड़कर जमीन में गिर गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। रमन ने बबलू को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डाला और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा। अब तक पुलिस को उस घटना की जानकारी नहीं थी। जासूस रमन ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने विलियम को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलवा लिया और बबलू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा ली। और फिर पुलिस ने बबलू से सख्ती से पूछताछ की, मगर बबलू ने अपनी जबान नहीं खोली। वो बस एक ही बात बोलता रहा कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब जासूस रमन ने इंस्पेक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जासूस रमन और इंस्पेक्टर दोनों इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल आए और दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ बात करने लगे। वो इस तरह बात कर रहे थे कि बबलू के कानों तक उनकी बात पहुंच जाए। जासूस रमन बोला, देखिए इंस्पेक्टर, ये वैसे भी एक मुजरिम है और ये जुर्म करके अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। ये तो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा, अगर कर लेता है तो इसे उम्र कैद की सजा होगी, मगर ये जुर्म कबूल करेगा नहीं। पर एक रास्ता है जिससे इसे सजा भी मिल जाएगी और इस शहर से एक गुंडा भी कम हो जाएगा। इंस्पेक्टर बोला, ओके तो आप बताएं कि करना क्या है। रमन बोला, आप इसे छोड़ दीजिए, हम इसे अपनी गाड़ी में डालकर जंगल लेकर जाएंगे और वहां इसे मारकर इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। इंस्पेक्टर बोला, लगता है अब यही एक रास्ता है। लेकिन डिटेक्टिव साहब, लाश को ऐसे ठिकाने लगाना कि किसी को इसकी गंध तक ना मिले। रमन बोला, अरे इसमें तो हम माहिर हैं इंस्पेक्टर साहब, हम दफन राज को खाड़ना भी जानते हैं और राज को दफन करना भी जानते हैं। इसको ऐसे दफनाएंगे कि इसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। और फिर इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला
और जासूस रमन और इंस्पेक्टर दोनों अंदर दाखिल हुए। बबलू ने सब कुछ सुन लिया था। वो घबराई हुई आंखों से इंस्पेक्टर और रमन को देख रहा था। इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल को आंखों से इशारा किया और कांस्टेबल ने बबलू की हथकड़ी खोल दी और एक मोटी रस्सी से उसके हाथ बांधने लगा। बबलू घबराते हुए बोला, साहब साहब आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंस्पेक्टर बोला, चल तुझे सैर करा के लेकर आते हैं। ऐसा बोलकर इंस्पेक्टर और जासूस रमन दोनों हंस पड़े। बबलू समझ गया था कि वो लोग उसका एनकाउंटर करने लेकर जा रहे हैं। बबलू बोला, साहब साहब सुनिए साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ साहब, मुझे मारिएगा मत। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा चल शुरू हो जा। बबलू ने बताया कि रॉबर्ट को मारने के लिए उसे अच्छी खासी मोटी रकम मिली थी। उसने उसका नाम भी बताया जिसने रॉबर्ट की सुपारी दी थी। उसका नाम था जॉन। बबलू ने यह भी बताया कि उसने रॉबर्ट को मारा कैसे। वो बोला, साहब एक दिन मैंने देखा बाकी के दोनों पेंटर्स खाना खाने गए हुए थे, तब मौका देखकर मैं रस्सियों की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और खिड़की खोलकर रॉबर्ट के कमरे में दाखिल हो गया, और जिस तरह जॉन ने मुझसे कहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने रॉबर्ट की दवाइयों वाली बोतल में से उसकी दवाई की गोलियां निकाल कर वो गोलियां डाल दी जो जॉन ने मुझे दी थी। दिन के लंच के बाद जब रॉबर्ट ने अपनी दवाई ली तो कुछ देर में उसकी तबीयत खराब होने लगी साहब, वो जमीन में गिरकर तड़पने लगा और कुछ पलों में उसकी मौत हो गई। मैं खिड़की में से सब कुछ देख रहा था साहब। उसके मरने के बाद मैं फिर से कमरे में घुसा और दवाई की बोतल में वापस असली दवाई की गोलियां भर दी ताकि किसी को शक ना हो, और अपने रुमाल से मैंने अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए और कमरे की खिड़की से बाहर निकल आया। बबलू के इस बयान के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसने जॉन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब जॉन से पूछा गया कि उसने रॉबर्ट को क्यों मरवाया तो जॉन ने सब कुछ उगल दिया। जॉन बोला, रॉबर्ट मेरा अच्छा दोस्त था, मगर वो हमेशा मुझसे आगे ही रहता था। वो हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता था। कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स उसी के पास थे। एक दिन मैंने उसे कहा कि कंपनी के शेयर्स हम दोनों में बराबर बंटने चाहिए, क्योंकि हम दोनों बराबर काम करते हैं और कंपनी हम दोनों ने ही शुरू की थी, तो शेयर्स भी हम दोनों में बराबर बंटने चाहिए। मगर रॉबर्ट ने मेरी बात नहीं मानी और मेरा मजाक बनाकर मुझ पर हंसते हुए बोला, जॉन एक बात गांठ बांध लो, रेस साथ में शुरू होती है, मगर कोई पीछे रह जाता है तो कोई आगे निकल जाता है। जिसमें काबिलियत होती है ट्रॉफी उसी को मिलती है, तो ये समझ लो कि तुम पीछे रह गए। अब मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो और जाओ कुछ काम कर लो। उस दिन मैं बहुत अपमानित हुआ और वो अपमान मैं सह नहीं सका और मैंने रॉबर्ट को मार डालने का निश्चय किया और आखिर मैं उसे मरवा दिया। जॉन के बयान के बाद जॉन को जेल में डाल दिया गया। अब बबलू और जॉन दोनों जेल की चार दीवारी के अंदर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। जासूस रमन ने बड़ी ही सूझबूझ से एक और केस सुलझा लिया। जासूस रमन की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।